पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रकोप है और आसमान से आग बरस रही है। खासकर पूरे यूपी में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बुंदेलखंड हो या रोहिलखंड, प्रचंड गर्मी और लू की चपेट से पूरा प्रदेश झुलस रहा है। बुधवार शाम तक 31 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई है। इसमें से महोबा में 8, हमीरपुर में 7, चित्रकूट में 6, फतेहपुर में 5, बांदा में 3 और जालौन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोग किसी काम से बाहर निकले थे और रास्ते में ही अचेत होकर गिर पड़े। बताया जा रहा है इन्हें लू लगी और लू लगने से ये जान से हाथ धो बैठे। कई लोग तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। इसके अलावा बहराइच में भी लू की चपेट में आने से नानपारा, कैसरगंज तहसील समेत अन्य इलाकों से भी 2 लोगों के मरने की खबर है और कई लोगों को लू लगने की भी सूचना सामने आई है। इसके अलावा प्रयागराज में भी 1 दारोगा की मौत हुई है और कुल मिलाकर के 4 लोगों की जान गई। ग्रेटर नोएडा में मेरठ के रहने वाले एक बुजुर्ग की लू लगने से मौत हुई है। बलिया में भी 1 महिला की जान चली गई है। इसके अलावा वाराणसी में 6, मिर्ज़ापुर में 3, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र में 1-1 मौत हुई। ये सरकारी आंकड़ा है और गैर सरकारी आंकड़े की बात हटा दीजिए, यानी गैर सरकारी आंकड़ा जिनकी कोई गिनती नहीं हुई वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा आशंका जताई जा रही कि इन सभी लोगों की मौत लू लगने से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद इन सारी जानकारियों का पता चलेगा कि असल में मौत की वजह क्या है। लेकिन यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में बुधवार को भीषण लू की चपेट में आने से कई लोगों की जो जान गई है उससे तमाम लोग डरे हुए हैं। पूरे इलाके में गर्म हवा चल रही है और 45 डिग्री से नीचे कहीं भी पारा नहीं। बुधवार को प्रयागराज का अधिकतम तापमान 48.80 डिग्री पहुंच गया, जबकि कानपुर में 48.4 डिग्री के आसपास दूसरा सबसे गर्म शहर इसे ही माना गया। इसके अलावा आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरह गुरुवार को भी भीषण गर्मी पड़ रही है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें हमारी सलाह है कि बिना काम के अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। इसके अलावा रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है और ये सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 6 जून 1979 को प्रयागराज में 48.8 डिग्री सेल्सियस पारा गया था। बुधवार को अधिकतम पारा इसी की बराबरी करता हुआ नजर आया। यहाँ तक मई के अभी तक के सर्वाधिक तापमान के रूप में भी इसको दर्ज किया गया। अगर मई के सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो 30 मई 1994 को 48.4 प्रयागराज का तापमान था। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सीजन में प्रयागराज पहली बार इतना गर्म हुआ है, साथ ही मई में इतनी गर्मी का खुद का अपना उसका रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि कानपुर, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज समेत तमाम इलाकों में अभी भी पारा 47 डिग्री के आसपास ही है और इसके अलावा बांदा समेत उरई, झांसी, जालौन और छतरपुर के कुछ इलाकों में भी भीषण गर्मी देखी जा रही है। इन तमाम शहरों में पारा करीब 46 से 48 डिग्री के आसपास ही रहा, यानी 46, 47, 48, जो कि अपने आप में डराने वाला है। राजधानी लखनऊ में भी चिलचिलाती धूप और गर्म हवा दिन भर झुलसाती रही। इसके अलावा पुराने लखनऊ और कुछ जगहों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन इससे राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को पारे में गिरावट के थोड़े आसार जताए हैं, क्योंकि NCR समेत कुछ इलाकों में बुधवार की शाम को बारिश हुई थी। बुधवार को दिन का तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास लखनऊ में मापा गया था। इसके अलावा मंगलवार को जो आंकड़ा था उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आया था, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे जानवर भी परेशान है, क्योंकि तमाम इलाकों में पानी की कमी के चलते जानवर भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।